देश भर में शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को शराब की सीधी बिक्री की जगह शराब की होम डिलीवरी या दूसरे तरीके से शराब बेचने के तरीकों पर विचार करने का सुझाव दिया। इसी कड़ी में राजस्थान हाई कोर्ट ने गहलोत सरकार को लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने और WHO के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर अधिवक्ता निखिलेश कटारा की PIL पर नोटिस पेश कर दिया और 12 मई तक गहलोत सरकार से जवाब मांगा। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को शराब की सीधी बिक्री करने की जगह होम डिलीवरी जैसे उपायों या इसी तरह के दूसरे तरीकों पर विचार करने की सलाह दी है। अदालत ने ये सलाह लॉकडाउन के भीतर शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ के बाद मामले में दी है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकारों को सीधे कोई आदेश देने से मना कर दिया, लेकिन शराब की सीधी बिक्री के बजाय होम डिलीवरी या दूसरे तरीकों पर विचार करने को कहा है। गुरुस्वामी नटराज नाम की याचिकाकर्ता की याचिका पर केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी जिसमें शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार शराब की दुकानों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं हो रहा, जो बहुत खतरनाक है। इसी कड़ी में राजस्थान हाई कोर्ट ने लॉकडाउन में शराब की दुकान खोलने पर गहलोत सरकार को नोटिस भेजा है और 12 मई तक जवाब मांगा है। याचिका में शराब दुकानों को खोलने के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे WHO की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया है। बता दें कि 4 मई को लॉकडाउन 3.0 लागू होने के साथ ही देश भर में शराब की दुकानें खोलने के निर्देश 2 दिन पहले ही जारी हो गए थे। लॉकडाउन के चलते 40 दिन बंद रहने के बाद जैसे ही शराब की दुकानें खुली, ग्राहकों की भीड़ टूट कर पड़ी, लंबी लंबी लाइनें लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ी। उसके बाद अधिवक्ता निखिलेश कटारा की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में PIL लगाई गई। PIL में CS, SES, होम, संयुक्त आबकारी सचिव व आबकारी आयुक्त को पक्षकार बनाते हुए लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कॉलोनी की दुकानों को खोलने के लिए कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने सभी जगह पर शराब की दुकानों को खोल दिया। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद कर शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने की बात कही गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से AG MS सिंघवी ने कहा कि शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है और हर दुकान पर आबकारी विभाग का गार्ड लगा दिया गया है। CJ इंद्रजीत महंती व जस्टिस SK शर्मा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनकर शराब की दुकानों को खोलने व शराब की बिक्री करने के मामले में राज्य सरकार को 12 मई तक शपथ पत्र सहित जवाब देने के लिए कहा है। वहीं इस तरह की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई, जिसमें गुरुस्वामी नटराज नाम की याचिकाकर्ता की याचिका में केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी जिसमें शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील साई दीपक का कहना था कि शराब की दुकानों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी, यह बहुत खतरनाक है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी पालन नहीं हो रहा है। सच बात यह है कि दुकानों की संख्या के मुकाबले शराब की खरीदार बहुत ज्यादा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाना बहुत मुश्किल है। याचिकाकर्ता के वकील ने सीधी बिक्री की जगह दूसरे उपाय अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि शराब की दुकानों को खोल देने से जो परिस्थितियां बनी हैं, उससे आम आदमी के स्वास्थ्य और जीवन को खतरा ना हो, इसलिए कोर्ट गृह मंत्रालय या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहे कि वह शराब की बिक्री को लेकर स्पष्टीकरण जारी करे, राज्य उस स्पष्टीकरण के मुताबिक चले, कम से कम जब तक लॉकडाउन जारी है तब तक शराब की दुकानों को न खोला जाए। इस पर 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अशोक भूषण ने सुनवाई के अंत में कहा कि हम इस मामले में सीधे कोई आदेश नहीं देंगे, लेकिन राज्य सरकारें याचिका में कही गई बातों पर विचार करें। वह यह देखें कि क्या शराब की सीधी बिक्री न करते हुए होम डिलीवरी या कोई और उपाय अपनाया जा सकता है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।